हेलो गाइस, सोनल सिंह की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भाई बात करने वाले हैं क्या एसी का यूज़ करने से गाड़ी पे कुछ कंडीशंस पे तो क्या वाकई में मतलब एक्चुअल में इसके माइलेज या एवरेज पे फ़र्क पड़ता है। तो इसका आंसर हम आपको पहले बता देते हैं, आंसर क्या है। इसका आंसर है हाँ और ना, दोनों ही, मतलब फ़र्क पड़ता है और कई बार नहीं भी। तो इसका कंडीशंस क्या है जिस पे फ़र्क पड़ता है और किस कंडीशंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बारे में हम बात करने वाले हैं आपको। पहले तो हम सबसे पहले दिखाते हैं एसी जब हम ऑन करते हैं तो कार पे होता क्या है, कंप्रेसर कैसे ऑन होता है, ठीक है। तो अभी पहले हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये जो कंप्रेसर है ना भाई, ये बस स्टार्ट करने से बस इसका बेल्ट रनिंग होती है, जो अंदर का पार्ट है वो उस टाइम रनिंग करेगा। जब हम ऑन करेंगे एसी, ऑन करवाएंगे तब आप देखिएगा क्या होता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये बेल्ट पूरी रनिंग है, ठीक है, पर ये नीचे वाला जो कंप्रेसर वाला है उससे भी रन हो रहा है, पर ये घूम नहीं रहा है अंदर का पार्ट। अभी हम एक बार एसी ऑन करने बोलते हैं, तब देखिएगा क्या होता है। ऑन करो, ये देखा जैसे ही ऑन हुआ ये घूमना स्टार्ट हो गया, साथ में उधर से रेडिएटर वाला फ़ैन भी अभी स्टार्ट हो गया। ओके, तो इंजन का भी वाइब्रेशंस बढ़ चुकी हैं हल्का, इंजन अभी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। अभी ऑफ करने बोलते हैं तो देखिएगा क्या होगा, ये रुक गया, ठीक है। ये पूरा एक मोटर का एरिया है, आप ये देखो इतना बड़ा, ये पूरा कंप्रेसर होता है। तो इस पर होता क्या है, जैसे ही हम एसी को ऑन करते हैं ये पूरा कंप्रेसर इस पर स्टार्ट होने के बाद लोड आपका लगभग 20-30% पेट्रोल इंजन पे, तो लोड उस पर ही ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस भी घटती है और एवरेज भी। एक बार फिर से ऑन करना, वो जो पार्ट आपने देखा घूमते हुए वही कंप्रेसर वाला पार्ट है इसका। अब हम अंदर चल के आपको इसका बाकी समझाते हैं आगे का पार्ट। तो गाइज, अभी हमने आपको कंप्रेसर का जो होता है इसका एसी का, तो उसका वर्किंग हमने आपको दिखा दिया। अब हम बताते हैं इस पर कब आपका, जब अभी जैसे हमारे एसी ऑन है, हम अभी सिटी कंडीशंस पे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मान लो किसी कोई गाड़ी आ गया, आपको ओवरटेक करना है, आप पंजा दबाओगे गाड़ी भगाने के लिए, तो उस टाइम आपको मतलब पिकअप की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम एसी से आपको पहले तो मतलब उस पर हाई कंप्रेसर जो इसका मोटर चलता है उससे आपका ऐसे ही आधा पावर, मतलब आधा क्या 10-20% तो वो खाती है। उसके बाद उसके चलते आपको होता क्या, हार्ड एक्सेलरेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको एवरेज ज़रूर कम मिलने वाला है, बिल्कुल, ठीक है। और यही आप अगर हाईवे पे रहते हो और हाईवे पे आपको तो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलना है, उस टाइम अगर आप एसी ऑन रखते हो तो आपको उस टाइम मतलब आपको सडन एक्सेलरेशन का ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है। तो उस टाइम आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है एवरेज को लेके, एसी ऑन है या ऑफ है उससे। अगर फ़र्क भी पड़ेगा तो बिल्कुल पॉइंट पे, और सिटी पे आपको 1-2 का फ़र्क मिल जाता है एसी पे, पेट्रोल गाड़ी पे, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं जो मतलब हाईवे पे एसी ऑफ कर लेते हैं और विंडोज डाउन करके चलते हैं, जिस पे आपकी गाड़ी मिनिमम 80-90 पे तो चलती ही है जिस रोड पे, तो वहाँ ना वो सबसे बड़ी गलती है भाई आपकी, वो मत करो। उससे क्या होता है बताते हैं। जो हाईवे पे हम जैसे हाई स्पीड पे चलते तो आपने सुना होगा कि मतलब सुनते ही होंगे अपनी कार पे कि विंड नॉइज बहुत आती है, तो उससे होता क्या एयर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगता है बैक साइड पे। आगे भी दिखाना पड़ा, आगे दिखाते हैं इधर उधर, और हल्का स्टेयरिंग रखे रहना। तो उस पर होता क्या है कि विंड जो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है विंडोज खुल जाने के बाद, एरोडाइनमिक जो शेप होता है ना गाड़ी का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आपको एयर ब्रेक्स एक तरह से मिलने लगते हैं, ठीक है। और उस ब्रेकिंग के कारण आपका माइलेज और भी ज़्यादा, माइलेज एवरेज आप जो बोल रहे हो वो और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है हाईवे पे। तो हाईवे पे तो ये मोस्ट, मतलब आप एसी हमेशा ही ऑन रखो हाईवे पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको एवरेज को लेके। अगर आप विंडोज़ खोलते हो ना, अगर मान लो गर्मी लग रही है तो एसी ऑफ कर लो, लेकिन विंडोज़ मत खोलो। विंडोज़ आप खोलोगे तो एवरेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, वो एयर जो एयर रेजिस्टेंस मिलता है उसके कारण, ठीक है। और कोशिश करो जैसे अल्ट्रॉस जिन लोगों के पास है या फिर जिस पे भी ये इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वाला आता है, अगर आपको बेहतर माइलेज निकालना है तो ये मेंटेन करके रखो इसे अच्छे से, तो उससे आपको एक ज़रूर अच्छा बेहतर माइलेज देखने के लिए मिलेगा लास्ट पे ट्रिप का। तो यही था भाई एसी से, था आपका हाईवे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिटी में ज़रूर फ़र्क पड़ता है एवरेज पे आपका, एवरेज पूरा गाड़ी डाउन करेगी जब भी आपको मतलब सडन एक्सेलरेशन का, गाड़ी उठाने का, ब्रेक्स का, ये सब की ज़रूरत रहता है, इसलिए सिटी पे एवरेज गिर जाती है, यही चीज़ हाईवे पे नहीं होता है। तो यही था आज की वीडियो में भाई, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।